हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो ये एक वाइड स्कोप है इस ब्रांच सभी ब्रांचेस में इसी सब्जेक्ट का, ये ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत यूज़ होता है, एस्ट्रोनॉमी में जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स की तो ये फर्दर ब्रांच ही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आज ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है, आज इसके बारे में हम फुल इंट्रोडक्शन देंगे कि ये क्या होता है, कैसे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे फर्दर आने वाले लेक्चर्स में हम इसकी जो आगे इस सब्जेक्ट के अंदर जो फर्दर सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे, जैसे कि कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम वगैरह जो भी इसके अंदर आते हैं, यूनिट्स चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारा ये बेसिक और इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम अपने लेक्चर को हम आज जानेंगे कि स्टैटिस्टिकल क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी एप्लीकेशन, इसके फंक्शन और इसकी लिमिटेशन हम देखेंगे। ठीक है, क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखिए दोस्तों, आपको इसकी डेफिनेशन बहुत सारी बुक्स में बहुत अलग अलग मिल जाएगी, अलग अलग ऑथर्स ने अपनी अपनी इसमें डेफिनेशन दी हुई है। सबसे पहले आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है इसका तो आप इसकी डेफिनेशन खुद से बना सकते हो। ठीक है ना, आप किसी दूसरे ऑथर की डेफिनेशन पढ़ोगे आपको 1 मिनट से पहले समझ आ जाएगी। तो चलिए पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है। देखिए दोस्तों, जब हम छोटे थे, ठीक है, हमको स्कूल में से रिपोर्ट कार्ड मिलते थे। रिपोर्ट कार्ड हमको क्या बताते थे कि आपके इतने मार्क्स आए हुए हैं, आपके इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स में इतने मार्क्स हैं, साइंस में इतने हैं, सोशल स्टडी में इतने मार्क्स हैं। ठीक है, हमको सभी सब्जेक्ट्स में से मार्क्स मिलते थे, साथ में हमको एक टेबल बना होता था कि आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, आपके ऑब्टेनिंग मार्क्स कितने हैं, ठीक है, पास मार्क्स कितने हैं, आपको ग्रेड कौन सा दिया गया है, नीचे आपके टीचर्स के साइन होते थे, आपके पेरेंट्स के साइन होते थे। चलो वो एक अलग फॉर्मेट था। ठीक है, वो एक पूरे का पूरा स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा बनाया गया एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये बात समझे, आप सपोज करके देखो, अगर आपका वही मार्क्सशीट जो होती है, अगर वो एक पेज पे लिखा जाए, एक एक लाइन में लिखा जाए कि आपके इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स के आपका टोटल पेपर हुआ था, आपने इतने मार्क्स लिए, ठीक है, आपका हिंदी में आपके इतने मार्क्स हैं, आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जिस स्टेट से आप रह रहे हो, उर्दू हो गई, भोजपुरी हो गई, मिथाली होगी, मराठी होगी, कन्नड़ होगी, ठीक है, पंजाबी होगी, जो भी भाषा आपकी लैंग स्टेट्स की है, ठीक है, उसमें स्पेशल आपके कितने मार्क्स है। अगर आप एक पैराग्राफ में लिखे होंगे तो वो अच्छा नहीं लगता, वो कोई भी पढ़ने में खुश नहीं होगा, सभी उसको बोरिंग समझेंगे। अगर आप वही डाटा एक पर्टिकुलर टेबल्स बना के लिख दो, वो देखने में भी अच्छा लगेगा और कोई उसको पढ़ेगा भी, ठीक है, अच्छी तरह से। चलिए अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। आई होप कि आपको इसका मतलब समझ लग गया होगा कि मैं स्टैटिक्स किस बात का जिक्र करने जा रहा हूँ आगे। स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि ये मैथमेटिक्स की फर्दर एक सब ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद द डाटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। एक एक वर्ड को अच्छी तरह समझते हैं, डाटे का कलेक्शन करना, कहने का मतलब आपके कितने कितने नंबर्स आए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से कितने कितने नंबर आए, आपके टीचर ने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद एक ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज मीन्स कि आपका वो ही जो डाटा था वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखा, उसको उन्होंने एक टेबल बना के लिख दिया, उसका कोई ग्राफ बना दिया। ठीक है, जैसे बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ऐसे लाइन डायग्राम हो गया, जैसे भी उन्होंने बना दिया, उसको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज वे में रख लिया, उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस किया। एनालिसिस कैसे किया कि आपके मैथ में इतने नंबर आए, इंग्लिश में इतने आए, हिंदी में इतने आए, वो क्या हो रहा है, उसके ऊपर एक एनालिसिस हो रहा है। एनालिसिस होने के बाद उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके बाद उसका हम एक रिजल्ट फाइंड करते हैं। ठीक है,
एंड उसको प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जैसे आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। इसका स्टैटिस्टिकल का मतलब आपको अभी तक समझ आ गया होगा। चलिए आगे हम कुछ ऑथर्स की डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं। जैसे कि बोले, अकॉर्डिंग टू बोले, स्टैटिस्टिक्स आर द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। देखिए मिस्टर बोले कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होती है जो कि हम कंपेरिजन करने के लिए काम में लाते हैं। और बर्डिंगटन क्या कह रहे हैं, स्टैटिस्टिकल इज द साइंस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड प्रोबेबिलिटीज। अगर हम स्टैटिस्टिकल यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी आने वाली फोरकास्टिंग कैसे होगी। अगर हम, कहने का मतलब है, राम और श्याम दो बंदे हैं, ठीक है, राम के आते हैं नंबर हर एग्ज़ाम में 50 और श्याम के आते हैं 60। हम एक अपने माइंड में फ्यूचर फोरकास्ट कर लेंगे ना कि हाँ अभी श्याम जो है उसके नंबर 60 आते हैं, राम के 50 आते हैं, तो इस बार फर्स्ट श्याम ही आएगा क्योंकि उसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये एक एस्टिमेटिंग एंड प्रोबेबिलिटीज़ है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं स्टैटिस्टिकल क्या है, एक आर्ट है या फिर एक साइंस है या फिर दोनों है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इज द आर्ट, स्टैटिस्टिकल स्टेट हाउ टू यूज द स्टैटिस्टिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू स्टडी द प्रॉब्लम्स कैन सॉल्व विद द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। कहने का मतलब है कि जो स्टैटिस्टिकल होती है ना, वो जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल की फॉर्म में लिखना, एक ग्राफ बना के लिख लो, डाटे को छोटा करके लिख लेना कि ताजु के पढ़ने में सही समझ आता हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी को, वही बात ये कर रहे हैं। यूज द स्टैटिस्टिकल रूल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल के ऑर्डर टू स्टडी द प्रॉब्लम्स कैन सॉल्व विद इन द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। ये कलाई तो होगी अपने अंदर, सामने एक हम पैराग्राफ में लिख रहे थे, पैराग्राफ की जगह अब हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल की फॉर्म में लिख रहे हैं, और डाटा हमारा वो छोटा भी हो गया और सभी को समझ में आने लग पड़ा। ये क्या है, एक आर्ट ही तो हुआ है। विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मैथड वी सॉल्व द स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लाइक कंपेरिजन बिटवीन फैक्ट्स। ठीक है, हम दो कंडीशन के बीच में फैक्ट निकाल सकते हैं, राम शाम के बीच में फैक्ट निकाल सकते हैं, या फिर हमने पूरी क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई, उसमें उनकी एज लिख दी, हम उनकी एज का कंपेरिजन कर सकते हैं कि हम फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट की एवरेज इतनी है, सिक्स क्लास के स्टूडेंट की एवरेज इतनी, एज इतनी है, ठीक है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि स्टैटिक्स इज आर्ट। अभी देखते हैं आगे, स्टैटिस्टिकल क्या साइंस है। अकॉर्डिंग टू टिपट, टिपट क्या कहते हैं, साइंस जो होती है ना वो एक ट्रेडिशनल साइंस बहुत एक डिफरेंट होती है स्टैटिस्टिक्स से, क्योंकि साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिक्स में फोर्सेस आ जाती है और कोई थर्मल डायनेमिक्स के रूल्स आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाता है फिजिक्स में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा मेटल में कौन कौन सी कंपोजिशन होती है, ठीक है। लेकिन जो स्टैटिक्स है, जो ये वो ट्रेडिशनल साइंस से बहुत ही अलग पार्ट है, लेकिन इसको हम साइंटिफिकली मेथड से हम इसको, इसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। इसलिए टिपट ने बोला है, एज द साइंस इज द स्टैटिस्टिकल मेथड ए पार्ट ऑफ जनरल साइंस मेथड एंड इज बेस्ड ऑन द सेम फंडामेंटल आइडियाज एंड प्रोसेस। कि ये वैसे ही फंडामेंटल आइडियाज और प्रोसेस की तरह चलते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल साइंस से बिल्कुल डिफरेंट है। क्रक्सटन एंड कॉर्डन ने बोला है, स्टैटिस्टिकल इज द नॉट साइंस, इट्स अ साइंटिफिकली मेथड। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल साइंस नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशनल साइंस की तरह जैसे हम देखते हैं, सिर्फ इसके ट्रेडिशनल साइंस के जो मेथड्स हैं साइंटिफिकली मेथड, उसी का यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने में। वो हम आगे पढ़ेंगे या हम न्यूमेरिकल निकालेंगे तब आपको सारा कुछ क्लियर होएगा। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल है ये साइंस भी है और ये आर्ट भी है, ठीक है। यस, स्टैटिस्टिकल इज द बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। आगे हम इसकी एप्लीकेशन स्कोप्स देखते हैं कि क्या क्या है। स्टैटिस्टिकल इन गवर्नमेंट में यूज़ की जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा कैसे यूज़ की जाती है, जैसे कि उन्होंने देखना होता है, गवर्नमेंट आपको पता है टैक्स कलेक्ट करती है लोगों के पास, ठीक है, कितना टैक्स किसको लगवाना है, कितनी सैलरी पर लगवाना है, वो पूरे का पूरा डाटा का फॉर्मेट होता है। मिलिट्री में यूज़ होता है, फिस्कल पॉलिसी जो डिसाइड करनी होती है उसके अंदर यूज होता है इसका, ठीक है। गवर्नमेंट इसको बहुत ही इस्तेमाल करती है स्टैटिस्टिक्स का। अभी देखो कॉमर्स, कॉमर्स में हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम कह रहे कि हमारे पास कोई मटेरियल है वो ओवर स्टॉक ना हो जाए, वो अंडर स्टॉक ना हो जाए, हमें कौन सी मार्केट से कौन सा मटेरियल खरीदना है, ठीक है।
मैथमेटिक्स में इसका देखा जाए तो जी आपको ये पहले बता ही दिया है, ठीक है, जी एक मैथमेटिक्स की फर्दर ब्रांच है, सब टाइप ऑफ मैथमेटिक्स इज स्टैटिक्स, इसलिए हम इसको मैथमेटिक्स में तो यूज़ करते हैं रिसर्च में, हम इसको रिसर्च में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जब भी रिसर्च करते हैं हम अपना डाटा जो है वो एक पर्टिकुलर टेबल की फॉर्म में लिखते जाते हैं, ताजो कि हम किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट ना कर सके। हमने कोई रिजल्ट लेना है उसके लिए हम अपनी डायरी पे या अपनी कॉपी पे लिखते जाते हैं कि हमने ये काम किया उसका ये रिजल्ट निकला, ये काम किया ये रिजल्ट निकला, ठीक है, इसलिए हम उसी फॉर्म को हम बोल देते हैं, ये स्टैटिक फॉर्म में हम लिख रहे हैं, इसलिए रिसर्च में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मीन्स कि एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो अर्थ से कुछ ना कुछ प्लैनेट अर्थ प्लैनेट अर्थ से कोई दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं, जैसे कि मून हो गया, ठीक है, मून के बीच में जाना है तो उनके पास कोई स्पेसिफिक डाटा होना चाहिए ना, वो डाटे के तौर पे जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना है कि रॉकेट में बैठे हुए डायरेक्ट उनको मून पे भेज देगा या फिर मार्स पे भेज देगा, उनके पास एक प्रॉपर डाटा होता है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाना है वो कैसे जाना है, अगर उनको हम पैराग्राफ पकड़ा दे वो उनको कुछ नहीं पता लगेगा, क्योंकि विद इन सेकेंड उन्होंने डिसीजन लेना होता है, इसलिए हम उनको एक पर्टिकुलर वे में डाटा प्रोवाइड करते हैं जो कि स्टेटिस्टिकल की मदद से लिया गया होता है। इसका बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल है, बिजनेस मैनेजमेंट में कहाँ जैसे कि हम कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सा मटेरियल परचेज करना है, कहाँ पे मटेरियल परचेज करना चाहिए, कितने प्राइस पे करना चाहिए, हमने प्रोडक्शन करनी है किसी चीज़ की, कितनी प्रोडक्शन करें, कितना लॉट हम सरप्लस रखें, ठीक है, हम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, हमको मार्केट कौन सी सूट करेगी, हमने कितनी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने हैं, उसकी क्वालिटी लेवल कौन सा रखना है, या फिर एंटरप्रेन्योर सोचता है कि हम मेरे कंज्यूमर कैसे होंगे, कंज्यूमर्स की नीड कैसी है, ठीक है, उसी हिसाब से तो प्रोडक्शन करेंगे। एजुकेशन, एजुकेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि न्यू पॉलिसीज निकालनी, न्यू कोर्स निकालने, जैसे आपको मैंने बोला था मार्क्सशीट आपको मिलती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में भी इसका बहुत बड़ा वाइड स्कोप है, जैसे हम इसके हेल्प से तो पता करते हैं मतलब कितना एक्सपोर्ट किया कितना इंपोर्ट किया, उससे हम अपनी जीडीपी निकालते हैं, जीएनपी निकालते हैं, एनएनपी निकालते हैं, ठीक है ना, और हम इसको प्लानिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सारी चीज़ का डाटा हो तभी तो हम किसी चीज़ की प्लानिंग कर सकेंगे ना, ठीक है। आगे देखते हैं स्टैटिस्टिकल के फंक्शन, इसके फंक्शंस क्या है, सबसे पहले तो इसका मेन फंक्शन है ये डाटे को कंडेंस करता है, कंडेंस करने का मतलब बड़े डाटे को छोटा कर देता है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ को एक स्पेसिफिक वे में लिखना, एक टेबल की फॉर्म में लिख देना या उसका ग्राफ बना देना, उसका कोई पाई चार्ट बना देना, ठीक है, वो एक डाटे को कंडेंस कर देता है, छोटा कर देता है और आपको समझ भी अच्छी तरह से आ जाता है, ठीक है, इसलिए ये डाटे को सबसे पहले तो करता है कंडेंस। कंडेंस करने के बाद हमारी अगली डिमांड क्या होती है कि हम इस डाटे को दूसरे डाटे के साथ कंपेयर करना, इसलिए हम उसको आगे कंपेरिजन करते हैं दूसरे डाटे के साथ। उसके बाद हम उस डाटे से कुछ ना कुछ रिजल्ट नहीं लेते हैं, रिजल्ट लेने के बाद हम आगे अपनी फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं कि अभी अगर हम कंपैरिजन किया उसके बाद हमको क्या मिल रहा है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, आगे फ्यूचर की फोरकास्ट करनी, एस्टिमेट लगाना कि हमको फ्यूचर में कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं किसी फैक्ट्री में कितने वर्कर की ज़रूरत है और वो वर्कर कितना काम कर सकते हैं, उस वर्कर को काम करने के लिए कितनी मशीन्स की ज़रूरत है, ठीक है, वो सभी फ्यूचर के लिए है, अभी तो हमने इस फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री खोली है, इसके लिए वो फ्यूचर की एस्टिमेट करने के लिए हम सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जो हमारे पास डाटा होता है वो डाटा एक पर्टिकुलर वे में लिखा हो। आगे इसकी हम एप्लीकेशंस देखते हैं, इसकी एप्लीकेशंस मार्केटिंग, मार्केटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस में, फाइनेंस में, प्रोडक्शन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, देखो जैसे कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, उस प्रोडक्शन की क्वालिटी कौन सी आनी चाहिए, ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट कैसा हो हमारा, मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या होता है, हमने उस प्रोडक्ट का ट्रेंड कौन सा बनाना चाहिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट कितनी करनी है, उसका प्राइस कौन सा फिक्स करना है, ठीक है, वो सारा मार्केटिंग में आ जाता है, मटेरियल मैनेजमेंट में आ जाता है, हमने कितना मटेरियल बाई करना है, कब मटेरियल बाई करना है, ठीक है, बाइंग पॉलिसी हमारी क्या रहने वाली है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ जाता है, हमने कौन सा एरिया प्रोजेक्ट करना है रिसर्च के लिए, ठीक है,
आगे डिफेंस, डिफेंस में तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है कि हमने वेपन अपने को कितने खरीदे हुए हैं, हमारे पास वेपन कितने हैं, हमारे पास सोल्जर्स कितने हैं, ठीक है। वो सारा डाटा जो है डिफेंस के ऊपर होता है, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर पे हमारे जवान जाते हैं, वहाँ पे उनको फूड प्रोवाइड करना, अगर हमारे पास डाटा होगा तभी तो हम उनको उस हिसाब से फूड प्रोवाइड करेंगे ना। ये थोड़ी ना कि उधर 500 बंदा काम कर रहा है और हम उनको फूड सिर्फ 200 का दे दें, होता है ना। इसलिए हमको उसका पूरा डाटा होना चाहिए, डिफेंस में बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऐसे इसकी बहुत वाइड स्कोप है फाइनेंस में, फाइनेंस में जैसे कि प्रॉफिट का प्लानिंग करना, अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड देना, इन्वेस्टर कितने रखने हैं, रिस्क एनालिसिस करना, ठीक है, ऐसे ही है। आगे अगर इसकी एडवांटेज है तो इसकी लिमिटेशंस भी होगी, इसकी लिमिटेशंस भी है, जैसे कि इंडिविजुअल मेजरमेंट, ये सिर्फ इंडिविजुअल मेजरमेंट नहीं कर सकता, ये एक पूरे पूरे ग्रुप की मेजरमेंट तो कर सकता है, लेकिन अब अगर आप एक पर्सन का देखो, उसका डाटा एक स्टेटिस्टिक में बनाना है तो वो नहीं आप बना सकते, ठीक है। पूरे ग्रुप का बनाओगे, जैसे पूरी क्लास में या आपके कितने स्टूडेंट्स हैं उनका बनाओगे ना, इसका मिसयूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आपने अपने पूरी जो आपकी पूरी की पूरी एक बुक है, आपने उसको एक टेबल की फॉर्म में रख दिया, ठीक है। आपकी जो पूरी मेहनत है वो टेबल के फॉर्म में होगी, जैसे रिसर्चर करते हैं एक पूरा टेबल बना देते हैं, अगर वो आपका टेबल ही गुम हो गया कहीं ना, किसी और ने कहीं मिस यूज़ कर दिया, तो वो आपको एक कहने का मतलब डाटा कंप्रेस हो जाता है ना, इसलिए उसका मिस यूज़ आसानी से हो सकता है। ये एंटायर स्टोरी नहीं बताता किसी भी चीज़ की, जैसे रिसर्चर काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपना रिजल्ट नोट करते हैं, वो पूरा ये थोड़ी ना करते हैं कि हमने ये हाथ इस यहाँ पे इस्तेमाल किया और ये हाथ से ये किया, ये हाथ से ये किया, ठीक है ना। वो अपना सिर्फ एंटायर रिजल्ट लिखते हैं, इसी यही इसकी लिमिटेशन है, ये एंटायर स्टोरी नहीं बताता, ठीक है। यूज ओनली क्वांटिटेटिव डाटा, इससे हम सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा ही लिख सकते हैं, क्वालिटेटिव नहीं लिख सकते। कहने का मतलब है हमने कोई ए मशीन पे काम किया, उसने हमको प्रोडक्ट निकाल के दे दिए 500, ठीक है, हम वो 500 की बात करेंगे, वो 500 की क्वालिटी की बात नहीं करेंगे इसमें, ठीक है ना। ये इसकी एक लिमिटेशन है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता कि हमने कौन सा काम किया और उस काम को क्या रिजल्ट मिला, ये सिर्फ हमारे रिजल्ट के ऊपर फोकस होता है कि हमने ये हमारा रिजल्ट आया और हम इसको राइट डाउन कर लें अपने पेज पे या कॉपी पे नोट पैड पे। एस्टिमेटिंग नॉट ट्रू, ये भी जो हमारे हमारे पास रिजल्ट आता है ये ट्रू नहीं होता, ये हमारी एवरेज वैल्यू निकाल के हमको बताता है कि आप इतनी एवरेज आपकी वैल्यू है, आप इसके एवरेज के आसपास रहोगे आपका जो रिजल्ट होएगा, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये सिर्फ ट्रू एवरेज देता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरा लेक्चर सुना, आई होप आपको सारा समझ आया होगा। हम आने वाले फ्यूचर लेक्चर्स में और आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा न्यूमेरिकल बेस्ड पे, ठीक है, जो कहते हैं मीन मीडियन मोड, कहने का मतलब है सेंटर टेंडेंसी जिसको आप बोलते हो, ठीक है। हम उसके इनके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उनका कुछ बेसिक्स करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए ऐसे ही आगे फर्दर इस सब्जेक्ट के और दूसरे सब्जेक्टों के, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, ठीक है, ऐसे सभी लेक्चर्स आपके पास वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। थैंक यू दोस्त।